दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। और नमस्कार, ये आज का जो एक सेशन है ये ना सेशन आपकी गाइडेंस के लिए है। गाइडेंस कैसे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ना गाइडेंस चाहिए उनसे जो सिलेक्टेड है, ठीक है, मतलब उन्होंने कुछ अचीव किया है तो उन्हीं से हम गाइडेंस आपको और दिलवाना चाहते हैं। तो जैसे आज हमारे सामने जो एक एग्जाम्पल है सौरभ सूर्यवंशी, ठीक है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर किया है रेलवे का, तो मैं इनसे खुद ही पूछता हूँ। वेलकम सौरभ, आपका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, और आपकी गाइडेंस से मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज आप अपना जितने भी आप गाइडेंस देना चाहते हैं आप प्लीज दीजिए, सो डेट के बच्चों का बेनिफिट हो सके। तो वंस ऑफ ऑल वेलकम आपका, और मुझे बताइए आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया। थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन क्लियर द एग्जाम। सो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि मैंने एग्जाम कौन सा क्लियर किया है। तो मैंने एग्जाम जो क्लियर किया है, मैं एक्चुअली रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट पे अपॉइंटेड हूँ, और मैंने जो एग्जाम क्लियर किया है वो RRB ALPN एंड टेक्नीशियन का एग्जाम आया था आपके कोविड से पहले, वो क्लियर करा है, और उसके बाद मैं वहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ। और सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने ये एग्जाम क्लियर किया और मैंने सुना है कि आप इंजीनियर है ना, तो एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट होता है ना कि जो एक इंजीनियर होता है वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है, और उनके लिए ऑप्शन होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे कि ना करे। प्रेशर भी माइंड में रहता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसको आपने कैसे कॉप अप किया, ये प्रेशर जो आपके माइंड में रहा होगा वो कैसे आपने कॉप अप किया। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो करी है, मैंने बीटेक करी है इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम GGS IP यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। उसके बाद मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो मैंने अपने जॉब के साथ साथ करी है, मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा था उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है। जैसे अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोज वगैरह मिल जाती है, लेकिन काफी बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियोस देख के मूवीज की तरह पूरी वीडियोस देख जाते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हाँ देख ली मैंने अब तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ खुद के भी एफर्ट्स होते हैं, टीचर्स तो हमें गाइड कर सकते हैं, सिर्फ हमें खुद भी एफर्ट डालने पड़ते हैं। जैसे कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है तो आप उसके नोट्स बनाओ, सेल्फ मेड नोट्स हो गए आपके पास होंगे, कई काफी पेजेस भर जाएंगे, 100 पेजेस, 200 पेजेस, 300, वो सारे आपको नोट्स अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे, टीचर पढ़ाता रहेगा अपने हाथ से, आप अपने नोट्स बनाते रहो। एक तो एक साइकोलॉजिकल है कि जब हम अपनी हैंडराइटिंग से अपनी लिखी हुई चीज पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी ग्रेस्प कर सकते हैं उस चीज को, तो ऐसे कर करके आप नोट्स बनाओगे। लेकिन जैसे सारे नोट्स आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपने आप एक पेपर पे शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि जैसे एग्जाम नियर बाय आ गया, अब आपकी तैयारी को टाइम बच रहा है कि एक दिन बचा है, दो दिन बचा है, तो आप जब शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आपको क्या करना है कि 200 पेजेस को आपको मान लो 10 पेजेस में कन्वर्ट करना है, ये आपका शॉर्ट नोट्स का तरीका होगा, तो ताकि आप 10 बनाए रखें उससे ज्यादा फायदा होगा बच्चों को कि अपना। हाँ हाँ, मतलब यूट्यूब की वीडियोस जरूरी है वो हमें गाइड करने के लिए, कि नॉलेज गेन करने के बाद उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि हम एक बार पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद हम एक दो दिन बाद उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो नोट्स तो बनाने जरूरी है, और इसलिए एग्जाम से पहले रिवीजन भी बहुत जरूरी है, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ उसको, फिर पढ़ते रहोगे एग्जाम से पहले तो आपका बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाएगा, भाई मेरे सब कुछ मेरा रिवाइज है। और इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि एग्जाम से पहले आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने सारी तैयारी कर ली है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपको कॉन्फिडेंस देगा, नहीं तो आपके दिमाग में ये रहता रहेगा कि मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। और उसके बाद आता है जैसे हर एग्जाम का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उस सिलेबस पे फोकस करो। जो हम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं वो हमें सब कुछ ब्रॉडली बताते हैं कि ये सारा, जिससे सारे एग्जाम्स का सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को लिमिटेड करो, और कंटेंट लिमिटेड होगा तो आप जल्दी से जल्दी एफिशिएंटली तैयारी करोगे और अपने टारगेट पे अच्छे से उसको पहुंच जाओगे, अचीव करोगे। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसे फिल्टर कर लीजिए और अपने हिसाब से उसके अलग अलग नोट्स बनाइए जो कि आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें, ये मतलब आप एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स बनाए अपने, एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे होता ना कि बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बच्चों के कुछ डाउट भी रहे कि सर आप किसी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हीं से मुंह जुबानी पूछवाइए कि ये कैसे हम इसे कर सकते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हमारे माइंड में ना एक पीयर प्रेशर होता है
पेरेंट्स का पीयर प्रेशर, रिलेटिव्स का पीयर प्रेशर होता है, और बच्चे ना बहुत सारे बच्चे उसे कोप अप नहीं कर पाते कि मान लो 1 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते कि यार अब मैं इसे छोड़ देता हूँ, अब तैयारी को मेरे बस की नहीं है। तो आपने क्या वो पीयर प्रेशर झेला है? क्या आपने उसको पीयर प्रेशर को झेलने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ, कुछ इस तरीके से रहा क्या आपका? देखो, जैसे काफी मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी पूछते थे कि यार मैं ये कर लूँ, हमारे जैसे कई बार एक टाइम आएगा जब हमारे अंदर कंफ्यूजन हो जाएगी कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है, हमारे मल्टीपल वो हो जाएंगे। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो आप उस सिचुएशन में चले जाओ। जैसे मैं क्या था कि मेरे को था कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो मैं प्राइवेट जॉब के साथ साथ ही तैयारी कर रहा था, तब ये एग्जाम क्लियर हुआ है। तो अब दिमाग को कैसे समझाए कि वो सबसे बड़ी बात है। तो आप जो आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ये कर लूं, तो या तो वो कर लो या उस सिचुएशन में चले जाओ। उस सिचुएशन में जब चले जाओगे, कर ही लोगे वो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। और अगर तुम्हें अगर नहीं जाना है तो तुम्हें पता चल जाएगा, फिर वापिस अपनी तैयारी पे पूरा कंसंट्रेशन दो और उस साइड भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ये पता चल गया कि मैं उधर जा चुका हूँ, उधर मेरा काम नहीं बनने वाला, तो मैं वापिस इधर आ गया। तो एक दिमाग में रहता है कि प्लान बी होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान में। क्या प्लान बी होना चाहिए? आपका कोई प्लान बी था? जैसे आपने प्लान भी वही कह रहा हूँ कि जैसे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, लेकिन जैसे तुम्हें लगता है कि प्लान भी होना चाहिए, तो प्लान भी चलो तुमने बना दिया, उस प्लान बी के पास चले जाओ, तुम प्लान बी के पास चले गए। लेकिन उसके बाद प्लान बी में जब तुम चले जाओगे, तुम्हें फिर अपने आप समझ आ जाएगा कि तुम्हें प्लान बी करना है या नहीं करना है, वरना तुम इस कंफ्यूजन में ही रहोगे। क्योंकि कि काश क्यों होता है ना, जो हम चाह नहीं सकते उसकी हमेशा विश करते रहेंगे कि हम जो हमें मिला नहीं उसकी हमेशा विश कर दे कि हम वहां पे चले जाए, हम वो अचीव कर ले, ये कर ले। तुम एक बार वो वहां पे चले जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें इधर की तैयारी करनी है या तुम्हें उधर जाना है। क्योंकि जब तक माइंड में कंफ्यूजन रहेगी, तुम अच्छे से तैयारी कर ही नहीं पाओगे। और उसके बाद एक आता है हमारा कॉन्फिडेंस, कि अपने माइंड को जब तक कंफ्यूजन में रखोगे तो तुम कॉन्फिडेंस ला ही नहीं मतलब पाओगे। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इसे क्लियर कर सकते हैं, तभी वो क्लियर होगा, उसमें हाँ, कॉन्फिडेंस होना क्योंकि चाहिए पूरा। सबसे मतलब तैयारी तो सब बच्चे करते हैं, कितने लोग तैयारी करते हैं। मेन जो होता है एग्जाम, जब हम हॉल में जब बैठते हैं उस सीट पे, हॉट सीट जिसे कहते हैं हम, उस हॉट सीट पे जब हम बैठेंगे, मेन जो फंडा स्टार्ट होता है वहीं पे। क्योंकि कई बच्चों के साथ क्या होगा कि उस सीट पे बैठते ही वो इतने टेंस हो जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी टेंशन को ही दूर करना है, जैसे हाँ तो मैं वहां पे जब बैठो तो पूरे रिलैक्स होकर बैठो। इसी से संबंधित मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि पहले एग्जाम होते थे ऑफलाइन होते थे सारे एग्जाम, की मतलब हमें पेन लेके जाना है, हमें ऑफलाइन पेपर देना है, और अब ऑलमोस्ट सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो बच्चों के मन में ये भी डर रहता है कि हम क्या ऑनलाइन चीजें कर पाएंगे कि नहीं, हमारा वो आउटपुट आएगा कि नहीं। तो क्या आपके टाइम पे जो आपने एग्जाम दिए, क्या वो अभी टाइम तो आपका आपने रिसेंटली ही क्लियर किया है, तो आपके भी डेफिनेटली ऑनलाइन एग्जाम हुए होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही, तो आपको क्या उस समय ऐसा डर रहता था कि नहीं मैं ऑफलाइन में ज्यादा बेटर कर पाता था, ऑनलाइन में मुझे कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे मॉक टेस्ट और ज्यादा दे देने चाहिए? क्या इसका कुछ फायदा हुआ मॉक टेस्ट और ये सब चीजें करने का जो आपने किए? जो ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन, ये एक तो एक तरीके का बहाना है कि बच्चों का, कि जो मतलब अपने ऊपर, मतलब सबसे पहले तो अपनी गलती मानना सीखो कि अगर तुमसे एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है तो अपने ऊपर लोग की, मेरे से एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, इसमें मेरी गलती है, उसमें किसी और पे गलती क्यों थोप रहे हो कि भाई ऑनलाइन एग्जाम था ऑफलाइन, वो ऑनलाइन तो सबके लिए था, ऑफलाइन था तो सबके लिए था, चेंज हुआ है तो सबके लिए हुआ है, तुम्हारे तुम्हारे लिए थोड़ी चेंज हुआ है। तो तुम मॉक टेस्ट वगैरह दो, अपने उसमें एफिशिएंसी लाओ, अपने उसमें जो भी तुम्हें दिक्कत हो रही है अपने मॉक टेस्ट में उसको दूर करो, फिर अपना एग्जाम के टाइम पे ये बहाने वगैरह मत दो अच्छा कि भाई ये हो आपने गया जब वो हो आपने गया। एग्जाम दिया, आपको क्या लगता है आपका सबसे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो कौन सा था, जो आपको लगता है कि मेरा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मैथ्स था मेरा। मैथ्स आपका? और आप देखिए सब अपनी स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ होती है वो बताते हैं, आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप तो ये भी बता सकते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या था, आपने उसे कैसे इम्प्रूव किया, आपका वीक पॉइंट क्या था जैसे एग्जाम में? वीक पॉइंट जो होता है हमारा, जैसे मेरा था इंग्लिश था मेरा वीक पॉइंट, तो आपने उसे कैसे इम्प्रूव किया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट का बताइए, सो डेट कि बच्चों को ये समझ आए कि वो अगला इम्प्रूवमेंट का एग्जाम ऐसे होता है जैसे जो हमारा स्ट्रोंग पॉइंट होता है उसको हम थोड़ा टाइम तो रोज देंगे लेकिन थोड़ा कम टाइम देंगे, जो हमारा वीक पॉइंट है उसको टाइम हम थोड़ा ज्यादा देंगे। जैसे आप अपना दिन में टाइम का डिवाइड करते हो कि मैं 2 घंटे इसको पढ़ूंगा, 2 घंटे उसको पढ़ूंगा, तो उसको आपको 3 या 4 घंटे करना ही पड़ेगा जो आपका वीक सब्जेक्ट है। मतलब जो वीक पॉइंट अब है उसको जैसे मेहनत ही ज्यादा करना शुरू कर दें।
हाँ ये कहने का मतलब कि वीक पॉइंट को आप इतना तो कर लो कि तुम एक्चुअली उसमें इतना तो यूं ना हो कि तुम बेसिक क्वेश्चंस भी वहां पे छोड़ के आ जाओ। तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है इतना तो उसको लेवल पे लिया हो कि तुम अबव एवरेज आ जाओ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते समय आपने एक कुछ स्ट्रेटजी बनाई, कुछ पर्टिकुलर आपकी कुछ स्ट्रेटजी रही जिसकी वजह से आपने एएलपी वाला एग्जाम तो 100% जो क्लियर किया, क्योंकि इसके भी बहुत सारे स्टेजेस थे। इवन आपका लास्ट तक स्टेज में बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में बाहर हुए थे। ठीक है, मेरे पास खुद के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं बता सकता हूँ। स्टूडेंट्स इतने सारे हैं जो लास्ट स्टेज में, ठीक है, लास्ट स्टेज एक होती है जिसमें मेरे ख्याल से कुछ इंटरव्यू टाइप, कुछ साइकोलॉजी का कुछ होता है एग्जाम, तो उसमें भी बच्चों को बाहर निकाला गया। तो आपने कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि आप हर एक स्टेज तक जाओ, क्योंकि एग्जाम सिर्फ एक नहीं होता, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है। तो आपने उसमें कैसे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि आप हर स्टेज को क्लियर करके सिलेक्शन लेंगे? जैसे लास्ट जो जैसे स्टेजेस वगैरह बढ़ती रहती है तो उसमें जो होता है थोड़ा सिलेबस वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे एक मेरा था साइकोलॉजी का एग्जाम था, साइकोमेट्रिक टेस्ट था, उसमें क्या था कि उसमें ये जी के मैथ्स वगैरह कुछ नहीं था। तो उसमें मैंने उसमें सारा ध्यान अपना उस पर फोकस कर दिया कि भाई मेरे को अब ये पढ़ना है। लेकिन ये नहीं कि तुम वो पढ़ने की चीज है 15 मिनट की 20 मिनट की, अब उसको तुम 1 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड वैसे ही अपना वो खो देगा कि जितना बढ़ो। जैसे 15-20 मिनट तुमने उसको दिया, वो तो है ही चीज 15-20 मिनट की, तो अटेंटिवली उसको 15-20 मिनट ही पढ़ो। यूं नहीं कि तुम कॉपी किताब लेके बैठे रहो और पढ़ रहे नहीं हो, तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह डाउन हो जाएगा। रोज मतलब मेन चीज ये है कि कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज के लिए। यूं नहीं कि जो तुम भी आप पढ़ आज रहे हो उसमें 4 घंटे रेगुलर पढ़ पढ़ो। लिए, हाँ रेगुलर हो, हाँ यूं नहीं कि आज तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो फिर अगले दिन तुमने पढ़ लिया उसको पढ़ा ही नहीं या 15 मिनट देखा, ऐसे यूनिक के कंसिस्टेंट रहोगे। इसको मैं इतना टाइम दूंगा, इतना टाइम रिवाइज करूंगा, इतना टाइम अच्छा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, इतना टाइम रिवाइज। यही चीज आपसे पूछता हूँ, आप कितना टाइम देते थे पूरे दिन में अपनी पढ़ाई को? क्योंकि आप तो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, तो आप कितना समय देते थे ऑलमोस्ट इस? जैसे शाम को मैं घर पे आया तो मैं अपना फ्रेश वगैरह होके बिल्कुल खाना वाना खाने के बाद अपना शाम को 3-4 घंटे मैं उसको दे देता था अपने रिवाज नोट्स वगैरह सब कुछ बनाने के बाद। उसके बाद सुबह मैं उठता था, जल्दी उठ जाता था, रात को 12 बजे सो गया, फिर सुबह 6 बजे उठ गया, फिर 6 बजे उठ के फिर जब तक मेरी जॉब का टाइम होता था मैं तब तक उसको पढ़ता था नोट्स। क्योंकि आपके पास एक अच्छा फीचर यूट्यूब वीडियोज वगैरह है, उसको आप तुम किसी भी टाइम देख सकते हो और अपने नोट्स किसी भी टाइम बना सकते हो। ऐसा प्रोसेस चलता रहा जब तक नोट्स नहीं बन गए। पूरे नोट्स बन जाने के बाद उसके मैंने अपने सारे नोट्स वगैरह रिवाइज कर करके फिर मैंने अपने धीरे धीरे यही टाइम स्लॉट में अपने मॉक वगैरह देता गया। अच्छा, तो जैसे एग्जाम नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि आपने जो भी चीज किया आपने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करी है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, अगर जॉब कर रहे होते हैं तो वो इस चीज को एक बहाना मान लेते कि यार हम तो जॉब कर रहे हैं, हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन आपने जॉब करते हुए, प्राइवेट जॉब करते हुए गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन ले लिया, तो आप तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। मैं बस आपको ना एक बात और पूछना चाहूंगा जिससे मे भी बच्चे मोटिवेट हो। ठीक है बच्चों, आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी रहे, अब आपने ज्वाइनिंग भी कर ली है, ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि आपको क्या डिफरेंस लगता है कि क्यों बच्चों को मेहनत कर लेनी चाहिए, 1 साल 1.5 साल अच्छी मेहनत कर लेनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आए? क्या रीजन क्या रहते हैं जिस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा बेटर रहता है? आपने तो दोनों चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है, तो आप इसका डिफरेंस बताएं जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी, हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। जैसे आपके गवर्नमेंट जॉब में सबसे मेन जो होती है आपकी सिक्योरिटी रहती है। आपके प्राइवेट जॉब में आपको रोज का कुछ ना कुछ टारगेट होगा, वो टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा। वरना यूं नहीं है कि वो भी डायरेक्ट निकाल दे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी आपको टाइम देते हैं। लेकिन फिर भी एक मन में डर तो रहता ही है कि कोई बंदा सामने से बोलेगा कि तुमने ये क्योंकि एक टारगेट अपने आप अचीव को नहीं प्रूव किया। करना वो पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट में आप पहले के स्टार्टिंग में 1 साल मेहनत कर लो तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ ये है ही, वो तो बात है ही कि बस ये है कि आपको एक सबसे पहली होती है कि सिक्योरिटी, अपनी जॉब सिक्योरिटी रहेगी आपके दिमाग में। प्राइवेट में जब जब भी जॉब करोगे तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि मुझे अपना ये करना है वो करना है, कभी भी जा सकती है जो भी, ये दिमाग में आपके टेंशन हमेशा रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसी टेंशन नहीं है। काम आपको ये मत समझना कि आपको गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन आपको दिमाग में जो बैक अपना सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज चलती रहती है कि प्राइवेट में वो चलेगी कि भाई मेरी जॉब जा सकती है नहीं करना, अचीव करना है, वो तरीके आपको एक तरीके से स्ट्रेस क्रिएट कर देगा आपके दिमाग में। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब में में वो आपको इस क्रिएट तरीके हो का जाता स्ट्रेस है, नहीं गवर्नमेंट होगा। जॉब में स्ट्रेस उसका नहीं रहता, जॉब सिक्योरिटी का
स्ट्रेस नहीं रहता कि आपको हाँ भाई जॉब आपके पास हाँ वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, काम आपको दोनों में करना पड़ेगा, आप काम आपको टेंशन दोनों में छोड़ करना सकते पड़ेगा, हो कि स्ट्रेस हाँ। नहीं रहेगा बस उस चीज का। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक मुझे स्टूडेंट ने पूछा था, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ ही लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने मोस्ट प्रोबेबली और भी एग्जाम दिए होंगे, आप एक बारी अपना फेलियर बता सकते हैं जिससे बच्चों को ये पता चले कि यार फेलियर होता रहता है, सिलेक्शन जब हो जाता है ना सारे फेलियर बन जाते हैं इंसान। आपने और कौन कौन से एग्जाम दिए, दो तीन एग्जाम जो भी आपने दिए, ऑब्वियसली एग्जाम तो सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है, तो एक बारी बताएंगे आप कौन सा एग्जाम आपने और दिया था इसके अलावा, एएलपी के अलावा। जैसे मैंने एसएससी सीजीएल सीजीएल वगैरह भी एग्जाम दिया है, सीएचएसएल भी दिया है, और सीपीओ भी दिया है, और बैंक के भी काफी एग्जाम दिए हैं मैंने, पीओ के, क्लर्क के। मतलब आपने और ऑलमोस्ट जैसे मेरे सारे को हाँ एग्जाम दिए हैं, आप डरे नहीं इस चीज से कि यार कहीं पे एक जगह सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो आप मेहनत करना छोड़ दोगे, आपने पूरी मेहनत करी कि यार सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, क्योंकि आप तो वैसे भी जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में तो थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा होती है, जो बच्चे फ्री होते हैं। वो एक बार बताइए आप जो कह रहे हो अभी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बस आपको अपना जो चीज है वो कंसिस्टेंट रखो कि मेरे को ये साइड करना है करना है करना है, अपना डेडिकेशन कभी कम मत करो, वो चीज आप अचीव कर ही लोगे। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने जैसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का भी मैंने सुना है कि आपने प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करी है, ठीक है, तो आप एक बारी बच्चों को गाइड करेंगे कि जैसे बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, पढ़ाई का कोई भी सोर्स हो, उसका यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन। आपने स्टार्टिंग में एक बात बताई कि हमें चीजों को सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, उसके अलावा और कोई आप गाइडेंस देना चाहेंगे कि हम कैसे किसी प्लेटफॉर्म का, जैसे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम इसको ज्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप जैसे स्पेसिफिक जैसे एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करते रहो कि भाई वो जितने कंटेंट सारे बता रहा है उसको सारे लास्ट तक फॉलो करते रहो। जो आप जैसे टीचर का भी एक होता है कि टीचर स्टूडेंट का एक वो होता है बॉन्ड होता है, वो हमारा बॉन्ड पता चल जाएगा, इस टीचर से बन रहा है उस टीचर से बन रहा है, जो आपका स्पेसिफिक टीचर से बॉन्ड बन चुका है तो उसकी सारी वीडियो देखते रहो, खिचड़ी मत बनाओ कभी, उसकी वीडियो अच्छी लग रही है वो देख ली वो देख ली वो देख ली, पहले सारा कंटेंट उससे वो अपना एक टीचर स्पेसिफिक जो हमने चूज किया उसके उस अकॉर्डिंग सारा अपना नोट्स वगैरह बना लो, फिर आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे चीज कम रहेगी या वो चीज कम रहेगी तब आप दूसरे टीचर को अप्रोच करो, अपना ये मत करो वरना खिचड़ी बन जाएगी सारी। क्योंकि एक होता है ना जैसे हम एक पैटर्न में चीजें पढ़ते हैं तो वो टीचर का पढ़ाने का भी पैटर्न एक वो ही रहता है, बार बार आप वो मतलब चेंज रैंडम करोगे आ तो आप जाओ, इजिली एक ग्रैस्प नहीं कर वीडियो पाओगे। ओपन कर करके देखते रहते हैं बच्चे तो वो रैंडम हो जाता है, उससे कुछ हेल्पफुल नहीं होता, एक पर्टिकुलर टीचर के खिचड़ी बन साथ जाएगी वो होता है। खिचड़ी। ओके, मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि, मैं आपको एक एग्जाम्पल ही देता हूँ कि जैसे मेरे को एक गाड़ी पसंद है रोल्स रॉय, तो मैं बस सीधा डायरेक्ट कहूँ कि बस मुझे अब रोल्स रॉय चाहिए, उसके अलावा उससे पहले अगर मेरे को मारुति सुजुकी मिल रही हो, इवन मेरे को उससे थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड होंडा सिटी मिल रहा, तो बच्चे क्या करते हैं कि सेम ऐसे ही करते हैं, सीजीएल क्रैक करना है तो बस सीजीएल ही क्रैक करना, उससे पहले किसी एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करते, क्या ये सही रहता है? एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद उसे ज्वाइन करेंगे, एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करते, क्या ये सही है या गलत है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने तो बहुत सारे एग्जाम दिए आपको पता है। ये काफी बच्चों की बहुत गलत अप्रोच है कि मेरे को मतलब पहले चूज करते हैं बाद में सिलेक्ट करते हैं, अच्छा, लेकिन सही पहले है, हमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कि पॉइंट बहुत पहले करेक्ट पहले है। चूज करेंगे कि भाई मेरे को ये वाली जॉब करनी है ये वाली करनी है, फिर बात हम बाकी सारे एग्जाम को कैंसिल कर देगी, मेरे को ये एग्जाम नहीं देना है। लेकिन सॉरी टू बी रूड, लेकिन ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारी पास पहले ऑप्शन औकात तो है नहीं तुम्हारे पास पांच नौकरी लेने की, हाँ पहले जी पांच नौकरी अपने आप हासिल करो, पहले पांच नौकरी तभी तो हासिल मैं करोगे चूज तभी तो करूंगा, उसमें से चूज कर पाओगे। तुम बिल्कुल बिल्कुल पहले एप्लीकेशन भरते हो टाइम तब क्यों चूज करते हो कि मेरे को ये एग्जाम नहीं देना ये एग्जाम नहीं देना, तुम पहले चलो तुम उस एग्जाम को छोटा मान रहे हो तो उसको क्रैक कर दो, जब तुम्हारे पास 10 एग्जाम हो गए पांच एग्जाम हो गए तुम 10 और 5 तुमने सारे के सारे क्लियर कर दिए तब तुम चूज करो ना कि मेरे को इस एग्जाम में क्लियर कर दिया मैंने इस जॉब में जाना है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम सर हम एमटीएस जैसे एग्जाम नहीं देते, तो मैंने भी एक बार एक बच्चे को ऐसे ही कहा भी था, मैंने तो खैर इतना रूडली कहा नहीं था, लेकिन मैंने ये तो कहा था कि बेटा आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते इसलिए आप दे नहीं रहे, अगर आप क्रैक करके उस एग्जाम को सिलेक्शन लेके फिर छोड़ दो तो बात बने, तो
तो हमें हर एक एग्जाम देना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए, फिर उसमें से सिलेक्ट करने वाले हम कह सकते हैं हम काबिल हैं कि हम उस चीज में से सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट बताया आपने इस समय कि बच्चा गाइडेंस नहीं लेता इस चीज को, कहता है कि सीधा डायरेक्ट एक ही एग्जाम यूपीएससी ही क्लियर करेंगे, तो वो दिक्कत अब हो जब जाती तक है ये बच्चों आपको बात समझ आएगी बच्चों को, जब तक ये बात समझ आती है उनकी एज निकल जाती है। तो को। इसलिए अपने शुरू से ही ये रखो कि मेरा अपना हाथ मतलब खुला रखो कि मेरे को सारे एग्जाम देने हैं। तुम अच्छा एग्जाम हाँ से क्यों भागते हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एग्जाम सारे देने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जैसे आपके भी टीचर्स रहे होंगे, मे भी आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग टीचर से पढ़ाई करी हो, आपके हिसाब से एक टीचर का क्या रोल होता है एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन में, और हमें मतलब एक स्टूडेंट को टीचर से क्या चीजें निकलवा लेनी चाहिए कि उसका फायदा हो। मैं बस स्टूडेंट के हक की बात करूंगा, तो स्टूडेंट को टीचर से क्या चीजें ले लेनी चाहिए कि बच्चे का फायदा हो, बच्चे का सिलेक्शन। जैसे टीचर हमारे इस तरीके से काम आता है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, जो हमें लगता है, जिससे हमें डर लगता है, वो टीचर उसको बिल्कुल ऐसा, उसके लिए एक ऐसा पाथ तैयार कर देगा कि हमें वो चीज आसान लगने लगेगी। कॉम्प्लेक्स चीज को वो इजीली समझा देगा तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी, और तुम जो कॉन्फिडेंट नहीं हो उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए, तो उस चीज के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब आपको ये है कि कोई टीचर है तो वो आपकी किसी मुश्किल को हल जरूर कर देगा, आपके लिए जो चीज डिफिकल्ट है वो आपके लिए हाँ आसान हो सकती है टीचर की हेल्प से, बाकी आपके लिए जो चीज आसान है वो आप उसे और प्रिपेयर करिए, लेकिन जो चीज मुश्किल है आप टीचर को बताइए, टीचर आपकी हेल्प करेगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ बच्चों से, अगर आपको जैसे आपने अभी सौरभ की सारी बातें सुन ली, आपके मन में अब डाउट आएंगे, आप डाउट कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो मैं उस चीजों को फिर सौरभ से पूछ के या और भी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड जो हैं उन सभी का एक ग्रुप डिस्कशन करवा के, ठीक है, मैं आपसे एक और जो है क्लास इसका करवाऊंगा, सेशन इसका करवाऊंगा। मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन एक और पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल ये है, देखिए पहला तो आपने मेहनत करी, आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं अपनी चीज में, आप अपने आप को खुद को रोल मॉडल मानते हैं, आप किसी से डेडिकेट हुए, किसी से इंस्पायर हुए अपनी प्रिपरेशन, अपने सक्सेस के पीछे आपका कोई राज जो, क्योंकि सक्सेस के पीछे कोई ना कोई तो राज होता ही है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से आपके सक्सेस के पीछे क्या चीज इंपोर्टेंट है। सक्सेस के पीछे मेरा यही राज था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, मतलब फेलियर्स को बार बार, जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसका रोना बार बार क्यों करना। अपना आगे की तैयारी पे ध्यान देते रहो, और अपना प्रिपरेशन पे, जब मतलब सब हमें हमेशा, जब भी हम फेलियर हमारा जब भी होगा, हमने कुछ ना कुछ गलती करी होगी, उस गलती को अपना नोट डाउन करो, लिखते रहो कि मेरा ये, मैंने ये गलती करी, मैंने रिवाइज ढंग से नहीं किया, मैंने अपना इतना टाइम इसको नहीं दिया, ये तो वो अपना अगली बार उस गलती को तो सुधारो, और अगली बार अपनी और जान से, अपने और फोर्स लगा के, अपना पूरे कॉन्फिडेंस से अपना मतलब एग्जाम सेल्फ अगली बार दो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी पर्सनालिटी से इंस्पायर हुए हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान या अपने लाइफ टाइम में जिससे आप इंस्पायर हो, कोई पर्सनालिटी ऐसी जिससे आप इंस्पायर होते हो। पर्सनैलिटी जैसे एक वो होता है कि जैसे जैसे अपने पेरेंट्स वगैरह को आप देख सकते हो, जैसे कि जब भी आप कभी फेलियर हुए, ये हुए, तो अपने पेरेंट्स से मिलो, अपने पेरेंट्स से बात करो, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अपने फैमिली टाइम दो तो तुम्हें उनका फेस देख के तुम्हें अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं है मुझे तैयारी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मेरे पेरेंट्स ही मेरी इंस्पिरेशन थे, अच्छा जैसे आपका मोटिवेशन सिलेक्शन हुआ फिगर तो थे। क्या उस समय कैसी खुशी आपके पेरेंट्स को मिली होगी, कुछ आप इजहार कर सकते हैं कि उनको कैसा लगा होगा सिलेक्शन, क्योंकि बच्चे भी इस पल का ही इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सिलेक्शन लेंगे, हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा, उनको खुशी होगी, कुछ आप इस चीज को इजहार कर सकते हैं कि आपको मतलब खुशी तो हुई होगी गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद, आपके पेरेंट्स आपके चाहने वाले जो आपके साथ रहते हैं उनको कैसा लगा होगा एग्जाम क्लियर करने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद। और सब जगह से मेरे पास कॉल्स वगैरह आने लगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह सबने किया। फिर हमने अपने यहाँ पे सबने मिठाई वगैरह बंटवाई कि भाई सिलेक्शन वगैरह हो गया है, मैंने यही सुना है कि सब आप इस तरीके अपने से पूरी हमने। फैमिली में इकलौते हो जो जिसने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब लिया है, मतलब आपसे इससे पहले आपके सभी फैमिली में प्राइवेट बिजनेस बिजनेस ओनर्स हैं, लेकिन आपने गवर्नमेंट जॉब जॉब चूज करी कि मुझे अपना गवर्नमेंट जॉब करनी है, सिलेक्शन लेना, आप ऐसा है क्या कुछ ऐसा, मैंने सुना है आपके बारे में। ऐसा भी ऐसा ही है हमारे मेरी मतलब मेरे उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब लगी है, जो मेरे उसमें लगी है, मेरी पूरी अरे फैमिली में, मेरे ताऊ आपको जी इसके वगैरह, लिए चाचा तो वगैरह। बहुत ज्यादा बधाइयां हो कि आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना मतलब टेंडेंसी है कि आप फर्दर और किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें आप चाहें कि अब मैं एएलपी से आगे बढ़ के
IRS, इंडियन रेलवे सर्विसेज, कुछ ऐसा आपके माइंड में आ रहा हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन के बाद और अपने टारगेट्स को और हाई करने की कोशिश करते हैं, क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? अपने लाइफ में टारगेट तो होना ही चाहिए, वरना लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ अपने कुछ एक चीज आपने अचीव कर। हाँ, मैं कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहता हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। क्योंकि पहले मैं बुक्स वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन अब मेरे को एक अच्छी हैबिट लगी है कि मैं बुक्स वगैरह पढ़ने लगता हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट होता है कि मेरे को ये बुक्स वगैरह रीड करनी है, ये वो करनी है, तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ ताकि आपके पढ़ने की आदत ना छूटे। तो अब जैसे मान लो, हाँ जी, हाँ जी, हमारे उसमें क्या होता है कि 5 साल के सर्विस के बाद आप अप्लाई कर सकते हो प्रमोशन के लिए, ग्रेड बी ऑफिसर ऑफिसर्स के लिए, ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए। तो वो तब तक के लिए वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं उनके एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह डाउनलोड करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। और रेलवे की, हाँ रेलवे की इन डेप्थ नॉलेज वगैरह मैं लेता ही रहता हूँ कि भाई नई नई चीजें सीखें। मतलब सबसे मेन होता है कि आप हम सीखने की आदत कभी मत छोड़ो, मतलब कभी कहीं भी कहीं चले जाओ सीखने की आदत मत छोड़ो। अपने पर ईगो को मत हावी होने दो कि मैंने अचीव कर लिया है, अब तो ये हो गया वो हो गया। ईगो को मत हावी होने दो, हमेशा लर्निंग फेज अपना ऑन रखो फेज। देखिए, मुझे तो एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं आपके थ्रू बच्चों को गाइडेंस दे पाऊँ, क्योंकि बहुत रेयर होता है जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं वो पहली बात इग्नोर ही मारते हैं इन चीजों को। लेकिन एक होता है ना, एक इंसान अचीवमेंट लेने के बाद ईगोस्टिक हो जाता है, क्या होना चाहिए सिलेक्शन लेने के बाद? बहुत एग्जांपल है इसके, क्या ये चीज सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। कि मतलब आप जब तक शॉर्ट स्पोकन नहीं होगे, अपने आप को वो नहीं करोगे, तो पहली बात सामने वाले बंदे को ईगो दिखा के आप क्या करने, आपको जानता कौन है? कोई भी नहीं जानता है। या तो तुम कुछ ऐसा करोगे तुम्हारे इंडिया में तुम्हें कोई जाने, तुमने कुछ ऐसा तो है नहीं, तुम्हें कोई इतना जानता है, तो इसने ईगो किस बात की है? मैं एक अपना सबसे प्यार से बात करो, कोई छोटा आदमी नहीं होता है कोई भी। नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज अचीवमेंट को लेके। मैं आपसे एक फाइनल सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने अभी कहा कि आपने प्रिपरेशन के समय कोई किताब नहीं पढ़ी, अब आपके पास पूरा भरपूर समय है कि आप किताबें पढ़ सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे ऑब्जर्व किए हैं, वो अनवांटेड चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो उसको अपनी पढ़ाई का हिस्सा समझते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या बच्चों के लिए वो सही होगी इस समय पढ़ना, जैसे एग्जामिनेशन के समय? मैंने पहले भी बताया कि जो हम सब पढ़ते हैं वो सारा ब्रॉडली पढ़ते हैं हम, कि भाई ये उसमें सब कुछ होता है कि ये भी हो गया टॉपिक, ये टॉपिक भी हो गया। लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो उसके सिलेबस को ढंग से पढ़ो कि इसमें वो पूछना क्या चाहेगा। तो अपने कंटेंट को लिमिटेड करके फिर तैयारी करो, अननेसेसरी चीजों पे ध्यान मत दो, उसको मत पढ़ो। तो सौरभ, आपका धन्यवाद, आपने अपनी ये जो प्रीशियस गाइडेंस होती है, ये गाइडेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं जो हमें लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, और आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि यार ये एग्जाम में आया है, मैंने किया है और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपकी गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरत थी बच्चों को। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके साथ और भी जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ एक और ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं एक रियल अप्रोच जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए है वो बच्चों को बताऊंगा। बच्चे, जितना भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, जिसको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इसके कमेंट बॉक्स पे लिखिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा किया था, मैंने वही क्वेश्चंस उठा के एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछा। ऐसे आप दोबारा कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, सो डेट कि मैं बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इन्वॉल्व करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, क्योंकि गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब आप सिलेक्शन लेते हैं। सौरभ, वंस अगेन थैंक यू आपका इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशन दोबारा आपको कि आप जो एग्जाम क्रैक किए हैं, ठीक है, और होपफुली आप और भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। और बच्चों को आप फाइनल वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे, सो डेट कि हम उसके बाद सेशन को एंड कर सकें, कि बच्चों को फाइनली एक वर्ड बताइए। थैंक यू सर, वो कोई बात नहीं, आप मेरे को फिर से बुलाओगे तो मैं फिर से आ जाऊंगा बच्चों को गाइड करने के लिए। बस यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि कभी हार मत मानो, अपना डिटर्मिनेशन रखो कि मुझे ये चीज करनी है, कंसिस्टेंट रहो। और एग्जाम टाइम पे सबसे मेन चीज होती है, जब वो हॉट सीट पे बैठते हो तो अपना टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, अपना बिल्कुल काम माइंड से जाना है। कई लोग क्या करते हैं कि उस दिन पढ़ते ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते, कि जो तैयारी करनी है एक दिन पहले कर ली, उस दिन पढ़ पढ़ के टेंशन नहीं लेते कि भाई अब ये टॉपिक रह गया, ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो डाउट आएंगे तो टेंशन आएगी। तो काफी लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, काफी लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं रोज, पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालते हैं रोज, कुछ ना कुछ अपनी हॉबी होती है, किसी की सिंगिंग होती है, किसी की
डांसिंग होती है किसी की, कुछ भी हो सकती है, स्पोर्ट्स खेलता है कोई, जिम जाता है, तो अपनी हॉबी भी फॉलो करते रहो, क्योंकि हॉबी के लिए कितना टाइम लगेगा आपके दिन में, 1 घंटा 1.5 घंटा, बाकी टाइम तो आप पढ़ ही रहे हो, उससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। कोई लोग योगा करते हैं, तो अपने लिए भी टाइम निकालो, पढ़ाई भी करते रहो, और आप जो चाहते हो आप हासिल कर लो, यही। ओके सौरभ, थैंक्स अलॉट आपकी गाइडेंस के लिए। उम्मीद है सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते रहते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर अदर वीडियोज के साथ, अदर सेशंस के साथ। ठीक है, थैंक्स अलॉट सौरभ।